हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर एमएड सेम 4। ठीक है, हमारी सीरीज ऑलरेडी ऑन गोइंग है। बाकी सब्जेक्ट्स भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ चेकआउट करिएगा। अदर सब्जेक्ट्स के लिए आज का सब्जेक्ट रहेगा कोर्स 3, स्पेशलाइजेशन कोर्स 3 का ऑप्शन 1, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यानी कि पेपर 3 का जो ऑप्शन 1 है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएंगे। हमारे पास से रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। डायरेक्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं, उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जाके परचेज कर सकते हैं। ऐप से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो या कोर्स से रिलेटेड, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। साथ में हम जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों डिस्कस करेंगे, उन सभी के आंसर्स का पीडीएफ लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ चेकआउट। और अगर आपको वेबसाइट से लेने में कोई परेशानी होती है, तो ये 2 नंबर्स हैं, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि किस प्रकार से वेबसाइट से परचेज करना है, तो डायरेक्टली व्हाट्सएप से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स इन स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इजी क्वेश्चन है, और एक मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दैट इज CIET, एंड कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दैट इज CEC। ठीक है, उसको हम कैपिटल कर देंगे क्योंकि फुल फॉर्म्स आ गई हैं। ठीक है, ये इसमें तो ये कैपिटल में होंगे। ठीक है, ऐसे राइट, ओके। देखिए, पहले इंग्लिश मीडियम में सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हिंदी मीडियम में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज, डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग इन अ डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ डिटेल्ड मैनर। ठीक है, जितनी भी टीचिंग की स्टेजेस हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, वो आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय ब्रांचिंग एंड प्रोग्रामिंग? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर 16 मार्क्स में नहीं आते हैं तो 4 में भी आ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे क्योंकि इस सब्जेक्ट से बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस ही हैं, एंड यहीं से आपको आपका पेपर जो है एटलीस्ट 70-80% पेपर डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑल्सो राइट डाउन द स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यहाँ से Any 2, ठीक है, कोई 2 आएंगे। माइक्रो टीचिंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस। ये इंपॉर्टेंट है, फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस, ये कई बार 4 मार्क्स में भी डाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, व्हाट आर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड डिस्क्राइब द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये वाला जो है क्वेश्चन, इसको आप हमारी वेबसाइट पे, मैंने लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने हैंड रिटन आंसर आप सभी को प्रोवाइड कराया है, और इसकी वीडियो भी है, वो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके फ्री मटेरियल के अंदर फ्री वीडियो देख सकते हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको वीडियो से और हैंड रिटन नोट से ही समझ आएगा, बेसिकली वीडियो से आएगा। वीडियो में ही जो आपको समझाने के लिए हैंड रिटन नोट्स का यूज़ किया है, वो ही मैंने आपको जो है हमारी वेबसाइट पे भी पीडीएफ पोस्ट किया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पर इस टॉपिक को ज़रूर अच्छे से करिएगा क्योंकि एक फिक्स्ड क्वेश्चन है जो हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन डिस्टेंस एजुकेशन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। देन क्वेश्चन नंबर 8, राइट इन डिटेल अबाउट द रीसेंट, दिस इज द रीसेंट ट्रेंड्स इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
डिस्कस अबाउट टीचिंग एज अ डिफरेंट लेवल्स इन डिटेल. क्वेश्चन नंबर 10. राइट अबाउट मोडालिटीज ऑफ टीचिंग इन अ डिटेल्ड वे. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडल्स ऑफ टीचिंग. डिस्कस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इन डिटेल. देखिए, आपको ऐसे पांच में से चॉइस नहीं मिलेगी, आपको एग्जाम में यहाँ से कोई दो देखने को मिलेंगे. ठीक है, कोई भी दो. अब यहाँ से कौन से पांच में से दो आ जाए वो कहना मुश्किल है, और हो सकता है कोई एक 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी, यानी कि शॉर्ट नोट्स जो आपके लिखने वाला क्वेश्चन आता है उसमें आ जाए. सो ये कॉन्सेप्ट पांचों के पांचों ज़रूरी है. इनमें से ये कह पाना ये वाला ज़्यादा ज़रूरी है ये नहीं है वो मुश्किल है. तो हर साल हम देखते हैं कि वाइस वर्सा करके ये पांचों ही एग्जाम्स में आए हुए हैं. ठीक है, कभी कोई दो आ जाते हैं, कभी कोई दो. तो सभी इम्पॉर्टेंट है. कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, मास्टरी लर्निंग मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज इवैल्यूएशन. डिस्कस अबाउट डी ये गलत हो रखा है यहाँ पे, ये ना ऑटो करेक्ट है जिसकी वजह से इतनी मिस्टेक्स हो रखी है इसमें. डिस्कस अबाउट क्राइटीरियन. ठीक है, क्राइटीरियन सॉरी ये होगा नॉर्म, नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट एंड क्राइटीरियन रेफरेंस टेस्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13. डिस्कस इन डिटेल कोऑपरेटिव लर्निंग, ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड डिस्कशन मेथड. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज कम्युनिकेशन. डिस्कस अबाउट मॉडल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल. और मतलब कि इस पार्ट में से या इस पार्ट में से कोई एक पूछा जाएगा. ठीक है, और डिस्कस अबाउट द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का भी एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, ऑलमोस्ट हर साल आता है. अब हिंदी में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ओवरऑल यहाँ पे 14 क्वेश्चंस ही हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों. पहला प्रश्न है यहाँ पे, शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या है. शैक्षिक प्रौद्योगिकी के घटकों और दायरों का वर्णन करें. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है. और देखिए, जितने भी प्रश्न हम डिस्कस कर रही हैं इन सभी के उत्तर के साथ पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक है, अलग पीडीएफ है, हिंदी मीडियम का अलग है. तो आपका जो भी पर्टिकुलर मीडियम है आप उसी पे लिंक पे क्लिक कीजिए और वही वाला परचेज कीजिएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और शैक्षिक प्रौद्योगिकी संघ की भूमिकाओं की व्याख्या करें. तीसरा प्रश्न है, प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरणों पर विस्तृत तरीके से चर्चा करें. चौथा प्रश्न, ब्रांचिंग और प्रोग्रामिंग क्या मतलब क्या होता है. प्रोग्राम के विकास के लिए चरणों को भी लिखें. पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित पर नोट्स लिखें. माइक्रो टीचिंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, फ्लेंडर इंट्रैक्शन एनालिसिस. नवा प्रश्न है ब्लूम टैक्सोनॉमी पे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है. निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्णन आपको करना है, ब्लूम का वर्गीकरण जो है उसको अच्छे से डिटेल में चर्चा करनी है. सातवा प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा में यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का महत्व जो है उस पर प्रकाश डालना है. आठवां प्रश्न, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के हाल में रुझानों के बारे में विस्तार से लिखें, यानी कि जो अभी हाल ही में जो नई नई चीज़ें आई हैं, नए बदलाव आए हैं, उनका जिक्र आपको करना है, बेसिकली ट्रेंड्स बताने हैं. नवा प्रश्न, विभिन्न स्तरों पर शिक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा करें. अगला प्रश्न, दसवां प्रश्न, शिक्षण के तौर तरीकों के बारे में विस्तार से बताएं, उनके बारे में लिखें. ग्यारहवां प्रश्न है, आप पहले तो बताना है शिक्षण के मॉडल से क्या समझते हैं. ठीक है, ये उसके बाद इन पांच में से कोई दो आपसे पूछेगा. ठीक है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल यानी कि संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान. नेक्स्ट है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल. अगला है मास्टरी लर्निंग मॉडल. डी है अग्रिम संगठक प्रतिमान, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल. फिर अगला है बेसिक यानी कि बुनियादी शिक्षण मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल. बारवा प्रश्न अत्यंत आसान है, ये मूल्यांकन क्या है. ठीक है, ये संज्ञा नहीं है, ये है मानदंड और संदर्भित पर, ये बेसिकली है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट
और क्राइटीरियल, ठीक है। मैं ये जितनी भी करेक्शंस है ना ये करा के आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। वेबसाइट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा, सो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। विस्तार से चर्चा करें, यहाँ से कोई दो पूछे जाएंगे, सहकारी अधिगम, फिर है ब्रेनस्टॉर्मिंग, चर्चा विधि। अंतिम प्रश्न, 14वां प्रश्न संचार पे है। संचार क्या है? संचार के मॉडल और सिद्धांतों के बारे में विस्तार से चर्चा करें या संचार में आने वाली बाधाओं के बारे में चर्चा करें, ठीक है। तो ये 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आंसर्स का पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंग्लिश मीडियम में अलग है, हिंदी में अलग है, तो जो भी पर्टिकुलरली आपका मीडियम है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अपने मीडियम का पीडीएफ, इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए वहां से। यदि वेबसाइट से लेने में कोई परेशानी हो रही है या आपको नहीं पता वहां से किस प्रकार से परचेज करना है, तो ये दो नंबर हैं हमारी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के, तो आप इन पे भी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। एंड सिर्फ इतने क्वेश्चंस करिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत हैं। एक आधा अगर यहाँ से स्किप करना चाहते हो, टाइम की कमी है, तो एक आधा क्वेश्चन यानी कि एक दो क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो, बट कम से कम 12 यहाँ से करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, तभी आपका एक अच्छा खासा परसेंटेज जो है वो आप स्कोर कर पाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।